हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप? हालांकि कलेक्टिव में से मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड सी एनर्जी पिक हो रही है, जिसके कारण से मैं ये एक अर्जेंट चैनलिंग आप लोगों के लिए बना रही हूँ। साथ में मुझे आज सवेरे नैन्सी का भी अर्जेंट सेशन आया था, तो सेम प्रॉब्लम थी, तो मुझे लगा कि चलिए मैं भी अपनी एनर्जी को रिलीज़ करूँ और आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिल जाए। बहुत सारा फियर, बहुत सारा डिस्कम्फर्ट, जैसे कुछ ट्रिगर्स हो रहे हैं, जैसे कि या तो आप लोगों को वियर्ड ड्रीम्स पे किसी को आए होंगे, या साइकिक अटैक, या आप में से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आपकी ज़िंदगी में हो रहे हैं, फ्लक्चुएशंस, इमोशनली फ्लक्चुएट्स हो रहे हैं आप। तो जो भी चीज़ें ये हो रही हैं, जो भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है, ये जो पावरफुल वेव है, समझ लीजिए कि मैंने रिसेंटली एक जो परसों चैनलिंग की थी कि वाई डी एफ इज सैड, उस पर मैंने 11-1 के बारे में बताया था, जो हमारा न्यू मून इन कैप्रिकॉन है। बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग की ये एनर्जी है, वेरी पावरफुल न्यू बिगनिंग, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। मैनिफेस्टेशन अकेले मैंने बल्कि ग्राउंडिंग इन रियलिटी, मतलब इट्स लाइक कि आप इस वक्त जो मैनिफेस्ट करोगे वो रियलिटी में ग्राउंड भी होगा। इतनी स्ट्रेंज एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो वो फ्रिक्वेंसी को बेयर करना क्या इतना आसान होता है? आप चाहे 2 साल से भी इनर वर्क कर रहे हो, लेकिन हर कोई इसमें थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ है और इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी बात है जो ये असेंडिंग एनर्जी है, इस वक्त यू आर समवेयर ट्यूनिंग विद द न्यू फ्रिक्वेंसी। जो आप एनर्जीज इस वक्त रिसीव कर रहे हो, इसका पर्पज़ होता है आपकी न्यू लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मोर प्योरिटी, मोर ऑथेंटिसिटी। यू विल बी अपग्रेडेड, यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, योर एक्सपैंड अवेयरनेस। जो हाई फ्रिक्वेंसी आप जो रिसीव कर रहे हो, उससे आपकी बॉडी ट्यून हो रही है। योर बॉडी इज ट्यूनिंग विद दिस न्यू फ्रिक्वेंसी, ठीक है? तो जब हमारी बॉडी ट्यून होती है उस न्यू फ्रिक्वेंसी से, हमको डिस्कम्फर्ट होते हैं, उसमें आपको थकान भी लग सकती है, लग रही होगी बहुत से लोगों को। आपने कुछ भी काम नहीं किया, आपको लग रहा है कि यार लेट जाएं, या सोते रहने का मन कर रहा है, या बहुत नींद आ रही है, या बहुत थकान लग रही है, या बिल्कुल ऐसे शरीर टूट रहा होता है, ऐसा फील होता है, या पल्पिटेशन फील हो सकता है, हार्ट रेट आपको बड़ी फील हो सकती है, ठीक है? कोई बहुत ही अच्छे वाले बवाल भी ट्रिगर्स भी आ सकते हैं, और वो भी ट्रिगर ऐसे कि जैसे कि एकदम से कुछ चीज़ आपको बिल्कुल छोड़नी है। तो जो चीज़ आप, जो लोग, जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से अगर जाना चाह रही हैं, उन्हें जाने दीजिए, वो आपको नहीं सर्व कर रही हैं। इट मीन्स लेट गो, द एनर्जी इज नॉट सर्विंग यू। इसमें ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो कि अभी उनको छोड़ना या ये डिसीजन लेना कि ये छोड़ेंगे तो क्या होगा, इट्स ओके। वो जैसे आप उसको छोड़ दीजिए डिवाइन के ऊपर, बट जो चीज़ें जानी हैं वो अब आपको सर्व आगे नहीं करेंगी। और अगर वो आप ज़बरदस्ती रखोगे तो वो आपको अपग्रेड नहीं होने देंगे। सम बिग चेंजेस इन योर लाइफ, तो वो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ बड़े डिसीजन आपको लेने पड़ जाएं, और जो भी होगा फॉर योर बेटरमेंट, ठीक है? तो इस वक्त आपकी बॉडी की पर्जिंग हो रही है थकान से, फटीगनेस, लाइट हेडेडनेस अगर आपको हो रही है, इमोशनल पर्जिंग हो रही है, इमोशनल एंड फिजिकल पर्जिंग जो भी हो रही है, दिस इज फॉर योर बेटर शिफ्टिंग, ठीक है? ये आपके एसेंशियल के लिए हो रही है, आपके अपग्रेडेशन के लिए हो रही है, आपके एक्सपैंडेड अवेयरनेस के लिए हो रही है। तो इस वक्त बिल्कुल घबराना नहीं है। हर न्यू मून को आप जानते हो कि आप जिस भी एनर्जी में वाइब्रेट करते हो वही मल्टीप्लाई होती है। तो इस वक्त पर्जिंग जरूर हो रही है, पर आपको अपना प्रोटेक्शन भी लेना है और आपको हाई वाइब्रेशन में भी रहना है। योर बॉडी पर्जिंग सबसे ज़्यादा मुझे इस वक्त फील हो रही है कि अब जैसे बॉडी बहुत पूरी तरह थकी हुई है, ऐसा लगता है हमने कितना काम कर लिया है, हमको सोना है। आप तो बिल्कुल अपनी बॉडी की सुनिए, बहुत सारी ग्राउंडिंग करना है, यू नो, आप नेचर में जाइए, सब चीज़ें आप जानते हैं, रिवर बॉडीज़ के पास जाइए, ग्रास वॉक कीजिए, आई थिंक जो भी कीजिए। जो आप इस वक्त सफोकेटेड फील कर रहे हैं, जो एक बहुत ही पावरफुल वेव जो मुझे फील हो रही है, लाइक यू आर फीलिंग लाइक हार्ट रेट बढ़ी हुई, पैल्पिटेशन, वियर्ड ड्रीम्स भी आ सकते हैं, जैसे आपको फील हो रहे होंगे,
तो इसके लिए आप सब बेस्ट इस वक्त जो आपको इनर वर्क में शामिल करना चाहिए डीएनए, क्योंकि जब भी न्यू मून आता है इट मीन्स अपग्रेडेशन ऑफ द न्यू फ्रिक्वेंसी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ द न्यू फ्रिक्वेंसी, इंटीग्रेशन ऑफ द डिवाइन एनर्जीज, एक्सेस विद द रेल्म्स, अदर रेल्म्स, यू नो, तो ये सब तो इसलिए इस वक्त हमको सबसे ज़्यादा इनर वर्क पे फोकस करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक एडवांस जो भी आप कर रहे हो, डीएनए ज़रूर करना चाहिए। यिन यांग बैलेंसिंग, क्योंकि इस वक्त आप लोग डिसबैलेंस भी हो रहे हैं, मतलब मुझे जो आपकी एनर्जी पिक हो रही है, लाइक यू आर फीलिंग वेरी हैवी, फीलिंग वेरी लोनली, पेन इन द सेक्रल, आप में से कई लोगों को सेक्रल में पेन भी हो सकता है, क्राइंग, पर्जिंग, यू नो, नर्वसनेस हो रही है, नर्वसनेस फॉर नो रीज़न, ड्राइंग ऑफ द माउथ, ठीक है, दिमाग नम्ब आउट हो रहा है, डिसबैलेंस फील कर रहे हो, तो आप बहुत सारा पानी पीजिए, क्योंकि इतनी इंटीग्रेटेड एनर्जीज आप रिसीव कर रहे हो, हाई फ्रिक्वेंसीज, आपकी बॉडी अपने आप को स्टेबलाइज कर रही है इस एट योर सेलुलर लेवल, तो आपको बहुत सारा पानी पीने की ज़रूरत है। आप नम्ब आउट हो रहे हो, आप डिसबैलेंस हो रहे हो, इसीलिए आपको यिन यान बैलेंसिंग का जो वर्कशॉप था उसका आप यिन यान एंड सेल्फ लव, क्योंकि सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है इस वक्त, सेल्फ लव एंड अपने को बैलेंस करने की, आप डीएमडीएफ बैलेंसिंग और यिन यान बैलेंसिंग एंड सेल्फ लव करिए। ब्रेथ वर्क वर्कशॉप जो किया था वो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, इवन इमोशनल ब्लॉकेज जो वर्कशॉप आप लोगों ने लिया है तो वो भी इसमें एड ऑन कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ये पावरफुल मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, जितनी पावरफुल न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, उतनी पावरफुल एनर्जी बिल्कुल है, क्योंकि ये साल भी बहुत ही पावरफुल है, पावरफुल न्यू बिगनिंग है, स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग है, स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है, तो स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो इस वक्त आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कुछ भी ऐसा अनयूजुअल आपके साथ नहीं हो रहा है, यू आर सिंपली ट्राइंग टू ट्यून विद द न्यू एनर्जीज टू क्रिएट द न्यू अर्थ, ठीक है। आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो भी सरफेस पे आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करना है, उन पे काम करना है, ठीक है, और यू हैव टू बी इन द हाई वाइब्रेशन, नो कॉम्प्रोमाइज विद योर वाइब्रेशन, कितने भी मैं जानती हूँ चैलेंजेस आ रहे हैं, ट्रिगर्स आ रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हेडेक्स, फ्लक्चुएशन, सब चीज़ें हो रही हैं, बट फिर भी आपको हाई वाइब्रेशन में रहना ही है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या क्या इनर वर्क एड ऑन करना है। बिल्कुल पावरफुल हमारे इनर वर्क में डीएनए, इमोशनल हीलिंग, ब्रेथ वर्क वर्कशॉप, यिन यान वर्कशॉप जो आपने किए थे, ये सब बिल्कुल मास्टर प्रोग्राम्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे इस टाइम से निकलने के लिए। एंड जो मैनिफेस्टेशन के लिए आपको 12 चक्रा करना है, आपको बहुत सारी ग्राउंडिंग करनी है, बहुत सारा रेस्ट करना है, अपने थॉट्स पर अवेयरनेस पे रहना है। अगर इफ़ यू आर फीलिंग लाइक मूड स्विंग, एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे हो रहा है, उसको डिनाई नहीं करना है, मुझे क्यों हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, पैनिक नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट करना है और अवेयरनेस में रहना है। जो भी आपका ब्लॉकेज निकल के बाहर आ रहा है उसको भी एक्सेप्ट करना है कि हाँ मेरा एंगर इशू आ रहा है, हाँ कोई चीज़ मुझसे छूट रही है, कोई चीज़ जा रही है, उसे जाने दीजिए, उससे अटैच मत होइए, ठीक है। जो भी सेंसिटिविटी होती है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस पर काम कीजिए, उसको लेट गो कीजिए, बिकॉज यू नो यू आर डूइंग अ वेरी ह्यूज वर्क, यू आर सपोर्टिंग इन द न्यू अर्थ, ठीक है। आपकी फ्रिक्वेंसी की मदद को बहुत ज़रूरत है, यू शुड हैव मोर प्योर एनर्जी, यू शुड हैव मोर प्योरिटी इन योर एनर्जी, मोर ऑथेंटिसिटी, और आपकी लाइफ भी एक अपग्रेडेड लाइफ होनी चाहिए, जिसमें कि आपके अंदर, आपकी लाइफ में आपके और ज़्यादा हैप्पीनेस हो, और ज़्यादा जॉय हो, यू नो, आपकी लाइफ भी अपग्रेड करना है, अपग्रेडेड होनी चाहिए, इसलिए जस्ट सिंपली गो विद द फ्लो विद दिस एनर्जी, नथिंग टू वरी एट ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।